नमस्कार दोस्तों, हमारे यूनिवर्स के बारे में शायद सबसे कमाल की बात है इसका साइज, कि ये ब्रह्मांड कितना अनइमेजिनेबली बड़ा है। लेकिन यही बात शायद सबसे निराशाजनक भी है। खुद ही सोचकर देखो, अगर आज हम अपने पावरफुल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके धरती जैसा एक और प्लैनेट ढूंढ भी लेते हैं किसी गैलेक्सी में जो इंसानों के लिए रहने लायक हो, वहां तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। इनफैक्ट किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान के लिए ये गैलेक्सी छोड़कर जाना इम्पॉसिबल है। अब सब जानते हैं कि धरती मिल्की वे गैलेक्सी में है, और मिल्की वे के जो सबसे करीब गैलेक्सी है वो है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है धरती से। तो अगर हम एक स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करें वहां तक जाने के लिए, यूजुअल स्पीड होती है एक स्पेसक्राफ्ट की 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से वहां तक जाने में 94.5 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी बना लेते हैं लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने की, तो भी वहां पर पहुंचने में 2.5 मिलियन ईयर्स का समय लग जाएगा। ये बात सही मायनों में निराश कर देने वाली है। आखिर क्या तुक बना ये सारे प्लैनेट्स ढूंढने का जब हम वहां पर कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक शॉर्टकट रास्ता हो गैलेक्सी के बाहर तक ट्रैवल करने का, एक ऐसा शॉर्टकट जिसके जरिए हम ये मिलियन लाइट ईयर्स का सफर कुछ महीनों में ही तय कर ले, तब ये बातें जरूर दिलचस्प बन जाती हैं। ये शॉर्टकट्स हैं दोस्तों, वॉर्म होल्स। साल 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर, मेरी फेवरेट स्पेस फिल्म, एक बार फिर से मैं यहाँ इसका मेंशन करना चाहूंगा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कूपर और उनकी टीम जब धरती छोड़कर निकलती है और हैबिटेबल प्लैनेट्स की तलाश में, धरती जैसे ही और प्लैनेट्स की खोज में, तो वो दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करते हैं। अपनी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में वो पहुंचते हैं एक वॉर्म होल के जरिए, कुछ ही मिनटों के अंदर। ये फिल्म का वो सीन है जब कूपर की टीम वॉर्म होल से गुजरती है। फिल्म के अनुसार इस वॉर्म होल को डिस्कवर किया गया था सैटर्न के ऑर्बिट के पास नासा के द्वारा। इसे फिल्म में कई बार मेंशन किया जाता है क्योंकि आगे चलकर ये फिल्म के प्लॉट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वॉर्म होल्स का ये कॉन्सेप्ट कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि असल साइंस पर बेस्ड है। क्या होते हैं वॉर्म होल्स एग्जैक्टली और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब समझने से पहले हमें वापस आना पड़ेगा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। इसकी बात मैंने ब्लैक होल्स वाले वीडियो में भी करी थी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था उस वीडियो में। अब थोड़ा और डीप चलते हैं इसके अंदर। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी, तो इसे एक सेट ऑफ इक्वेशंस में लिखा था। इन इक्वेशंस के सेट को आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशंस करके पुकारा जाता है। पहली बार इन्हें पब्लिकली रिवील किया गया था 25 नवंबर साल 1915 में, जब आइंस्टाइन ने अपना पेपर सबमिट किया था टू द प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस बर्लिन जर्मनी में। टोटल में ये फील्ड इक्वेशंस 10 अलग अलग इक्वेशन से बनती हैं, 10 नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन इन्हें शॉर्ट में एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो एक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है। कैपिटल जी म्यू न्यू प्लस लैम्डा छोटा जी म्यू न्यू इक्वल्स टू 8 पाई जी डिवाइडेड बाय सी टू द पावर ऑफ 4 और टी म्यू न्यू। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इस एक इक्वेशन के अंदर बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर इसे एक्सपैंड करते हो इस एक इक्वेशन को, तो देखो कैसी ये स्टेप्स दिखती हैं। अगर आप मैथ से प्यार भी करते हो तो भी आपका सर चकरा जाएगा ये देखकर। मोटे मोटे तौर पर ये इक्वेशन हमें बताती हैं कि मैटर और एनर्जी कैसे स्पेस टाइम के कर्वेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए, इमेजिन करो एक बड़ा सा मेश है। इस मेश के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट्स रखते हो, ये वजन से नीचे बेंड डाउन हो जाता है। जो स्पेस टाइम का मेश है वो भी कुछ इसी तरीके से बेंड हो जाता है, कर्व हो जाता है, बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स के वजन से। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा किसी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज्यादा ये स्पेस टाइम का मेश कर्व हो जाएगा उनके अराउंड। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद से अपनी फील्ड इक्वेशंस को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए थे। उन्होंने बस एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाला था अपनी इक्वेशन का एक स्पेसिफिक केस में। पहले इंसान जिन्होंने इन फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व किया था वो थे कार्ल श्वार्ट्ज़चाइल्ड साल 1916 में। इन्होंने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया कि ये स्पेस टाइम का कर्व कितना बेंड होता है, कैसे बेंड होता है एक सिंगल बॉल ऑफ मास के केस में। ये कार्ल श्वार्ट्ज़चाइल्ड का ही सॉल्यूशन था जिसकी मदद से साइंटिस्ट समझ पाए सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को। क्या होगा अगर ये मास इनफाइनाइटली डेंस बन जाए, स्पेस टाइम का कर्वेचर इसके अराउंड इतनी टाइटली रैप हो जाएगा कि ये जो रीजन है ये बाकी यूनिवर्स से पूरा पिंच ऑफ हो जाएगा।
इसी की वजह से ही साइंटिस्ट ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली प्रूफ कर पाए। और ये चीज आज से 100 साल पहले ही हो गई थी। एक्चुअली में कई दशकों बाद जाकर साल 2019 में ही पहली बार था कि साइंटिस्ट ने एक ब्लैक होल की फोटो ली हो। तो मोटे मोटे तौर पर बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन फील्ड इक्वेशंस का एक सोल्यूशन ब्लैक होल्स निकला था। थियोरेटिकली हम ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी जानते थे उनके डिस्कवर होने से करीब 100 साल पहले। और बात यह है दोस्तों कि इन्हीं फील्ड इक्वेशंस का एक और सॉल्यूशन है वॉर्म होल्स। आप शायद सोचोगे कि एक इक्वेशन को सॉल्व करके दो दो सॉल्यूशंस कैसे निकल रहे हैं। मैं कहूंगा याद करो स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। इस सिंपल सी इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशंस हैं, x equals to 2 और x equals to 3, दोनों फिट बैठते हैं। तो आइंस्टाइन की ये फील्ड इक्वेशंस देखो तो ये तो कहीं ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड है। इनके एक्चुअल में ढेर सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वॉर्म होल एक सॉल्यूशन है और इसका साइंटिफिक नाम है वॉर्म होल के सॉल्यूशन का आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। ये नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट नेथन रोजन से, जिन्होंने साथ में मिलकर इस सॉल्यूशन को निकाला साल 1935 में। तो वॉर्म होल्स को समझना बड़ा आसान है। ये बेसिकली एक शॉर्टकट रास्ता है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हो। पहले मैं आपको चीजें टू डायमेंशन में समझाता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। इस पेपर को देखिए, इस पेपर पर दो पॉइंट्स हैं ए और बी। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है सबसे छोटा रास्ता इस्तेमाल करके, कौन सा रास्ता हो सकता है? वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जो ए और बी को कनेक्ट करती हो, है ना। टू डायमेंशंस में इससे छोटा रास्ता और कोई नहीं हो सकता एक्सेप्ट ये जो स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम इस टू डायमेंशनल मेश को थ्री डायमेंशंस में बेंड कर दें तो अचानक से आप देखोगे कि नए रास्ते निकलते हैं। मैंने यहां पर ए और बी को इस तरीके से बेंड कर दिया है कि अब अगर आपको सबसे छोटा रास्ता चूज करना है ए से बी जाने के लिए, तो आप डायरेक्टली ये कुछ मिलीमीटर्स का जो डिस्टेंस बचा है ए और बी दोनों के बीच में, इस डिस्टेंस को आप यूज कर सकते हैं। और यहां अगर मैं एक रास्ता बना दूं इन दोनों के बीच में लिटरली एक पेन डालकर, तो लिटरली एक शॉर्टकट रास्ता निकल गया है ए से बी तक जाने का, जो बहुत बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ये वाला रास्ता। वॉर्म होल्स भी यही काम कर रहे हैं। हमारी थ्री डायमेंशनल दुनिया में हमें लगता है मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमीडा गैलेक्सी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। लेकिन अगर हमारी थ्री डायमेंशनल स्पेस को फोर्थ डायमेंशन में कर्व किया जाए, बेंड किया जाए, तो हो सकता है इससे भी छोटा एक बड़ा शॉर्टकट रास्ता निकल सके। अब फोर्थ डायमेंशन हमारे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सब थ्री डायमेंशंस में रहते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप इसे बेहतर समझ सकते हो अगर आप टू डायमेंशंस और थ्री डायमेंशंस को कंपेयर करो। तो इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। यह है दुनिया का नक्शा। मान लो अगर आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है एक फ्लाइट लेकर, तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा फ्लाइट का? आप कहोगे दिल्ली से न्यूयॉर्क डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करता हुआ फ्लाइट अफ्रीका के ऊपर से होती हुई जाएगी। लेकिन असलियत में ये सबसे छोटा रास्ता नहीं होगा क्योंकि आप टू डायमेंशंस में सोच रहे हैं। सबसे छोटा रास्ता एक्चुअली में होगा फिनलैंड स्वीडन के ऊपर से गुजरते हुए आइसलैंड ग्रीनलैंड के पास से जाते हुए न्यूयॉर्क पहुंचना, जो कि टू डायमेंशंस में देखकर लगता है कि ये क्या लंबा सा रास्ता ले लिया, ऊपर से जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन थ्री डायमेंशंस में इसे देखोगे तो लगेगा कि ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा रास्ता तो यही है। साल 1957 में साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने एक पेपर पब्लिश किया था आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस पर, और इन्होंने सिमिलर सी एनालॉजी से इसे कंपेयर किया। इन्होंने कहा एक एप्पल है और एक कीड़ा उस एप्पल को खा रहा है, एक वॉर्म। उस एप्पल की एक साइड से दूसरी साइड पहुंच जाता है बीच से ट्रेवल करके उसे खाते खाते, इंस्टेड ऑफ कि वो एप्पल के सरफेस पे ट्रेवल करे जैसे हमारे एरोप्लेन्स ट्रेवल करते हैं अर्थ के सरफेस के अराउंड, सरकमफ्रेंस के अराउंड। तो ऐसा करने से वॉर्म एक छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसने एक तरीके से स्पेस टाइम में शॉर्टकट ले लिया है और इस टर्म को व्हीलर ने नाम दिया वॉर्म होल, और यहीं से ही वॉर्म होल शब्द का ओरिजिन हुआ दोस्तों। वॉर्म होल शब्द को जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो ऐसे कई डायग्राम्स देखने को मिलते हैं। मोटे मोटे तौर पर वही चीज जो मैंने पेपर के साथ करी, दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया एक होल के थ्रू। यहां इमेजिन किया जा रहा है हमारा स्पेस टाइम का मेश है, उस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतनी ज्यादा कि उससे ये
कि स्पेस टाइम का कर्वेचर इतना बेंड हो गया है कि वो दूसरी तरफ से निकल कर आ गया है। ये स्पेस टाइम का मैश अपने आप में ही फोल्ड हो गया एक के ऊपर, ठीक उसी तरीके से जैसे वो पेपर फोल्ड किया मैंने। और ये वॉर्म होल एक शॉर्टकट तरीका बन गया एक से दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल करने का। लेकिन इन सारी विजुअलाइजेशन में वही डायमेंशन की प्रॉब्लम है, टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है एक वॉर्म होल को। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, वॉर्म होल 3D to 4D में काम करता है, तो असलियत में अगर कभी वॉर्म होल एग्जिस्ट करेगा तो वो दिखने में एक स्फेरिकल बॉल की तरह दिखेगा। एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि वॉर्म होल्स एक्चुअली में कैसे दिखते होंगे अगर इनकी एग्जिस्टेंस प्रूफ हो जाती है। तो एक बॉल सा फिगर जिसके जैसे आप अंदर जाते रहते हैं तो चीजें आपको कर्व्ड दिखती हैं अपने अराउंड, और पीछे मुड़कर आप देखेंगे तो धरती भी आपसे दूर हो जा रही है और सब कुछ एक सर्कुलर सी शेप में दिखेगा आपको। इसलिए दोस्तों इंटरस्टेलर फिल्म में जो वॉर्म होल दिखाया गया है वो एक काफी रियलिस्टिक तरीके से डिपिक्ट किया गया है। यहाँ एक बात कहनी जरूरी है कि वॉर्म होल्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है अभी के लिए एज ऑफ 2023 ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसे आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशन के तौर पर थियोरेटिकली निकाला गया है। मूवीज में साइंटिस्ट के द्वारा इसे विजुअलाइज करने की बहुत कोशिश करी गई है, बहुत सी थ्योरीज इस पर बनाई गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक किसी ने भी कोई वॉर्म होल नहीं देखा है। साइंटिस्ट नहीं जानते कि असली में वॉर्म होल्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। लेकिन अगर वॉर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये टाइम मशीन का भी काम करेंगे, क्योंकि इमेजिन करके देखो, आप कुछ मिनटों में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर पहुंच सकते हो। इसका मतलब आप लाइट से भी पहले वहां पर पहुंच गए हो। लाइट भी नहीं वहां पहुंची तो बेसिकली आप टाइम में भी एक से दूसरी जगह जंप कर गए हो। अब वो अलग बात है कि अगर वॉर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या इंसान इनके थ्रू ट्रेवल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यहां पर आती हैं वॉर्म होल्स को सच मानने पर। पहला सवाल तो ये कि वॉर्म होल की जो ओपनिंग है वो कैसे बनेगी। हमें यहाँ पर बहुत बहुत भारी ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत है। कहाँ से आएगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स? अगर आपने मेरे पुराने स्पेस रिलेटेड वीडियोस देखे हैं तो आप गेस कर सकते हैं कि जवाब यहाँ क्या होने वाला है। एक ब्लैक होल। आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट रोजन ने थ्योराइज किया कि सिर्फ ब्लैक होल्स में ही इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है कि वो वॉर्म होल्स की इंटरनल्स को ओपन अप कर पाए। ब्लैक होल्स की तरफ सब कुछ आकर्षित होता है तो सब कुछ उसकी तरफ अट्रैक्ट होके इस वॉर्म होल के थ्रू फ्लो करेगा, इस टनल के थ्रू जाएगा। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि इस टनल की दूसरी तरफ क्या होगा। अगर दूसरी तरफ भी ब्लैक होल हुआ तो इस टनल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा, इसके अंदर कंप्लीटली ट्रैप होकर आप रह जाओगे। बेसिकली फिर ये वॉर्म होल कोई टनल नहीं होगी एक से दूसरी तरफ जाने के लिए, बल्कि एक ट्रैप करने की जगह होगी। तो कुछ ऐसा होना चाहिए दूसरी तरफ जो ब्लैक होल के ऑपोजिट हो हर सेंस में। कोई ऐसी चीज जो ब्लैक होल जितनी ही पावरफुल हो लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से काम करे, जो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जगह है चीजों को अपने से दूर भेजे ताकि एक एग्जिट पॉइंट क्रिएट हो पाए। और यहां पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दोस्तों व्हाइट होल्स की। एक बार फिर से व्हाइट होल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे प्रूफ किया जा चुका है थियोरेटिकली आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस के द्वारा। ब्लैक होल्स वॉर्म होल्स के अलावा व्हाइट होल्स एक और सॉल्यूशन है इन फील्ड इक्वेशंस का। क्या है ये व्हाइट होल्स? जैसे व्हाइट ब्लैक का ऑपोजिट होता है, एक व्हाइट होल ब्लैक होल का हर सेंस में ऑपोजिट होगा। जैसे कि ब्लैक होल में कोई भी लाइट एस्केप नहीं कर सकती एक बार उसके अंदर ट्रैप हो जाए, तो व्हाइट होल में दूसरी तरफ कोई भी लाइट एंटर नहीं कर सकती, सिर्फ बाहर ही निकल सकती है। इसका मतलब व्हाइट होल दिखने में बहुत ही एक्सट्रीमली ब्राइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। रशियन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट इगोर नोविकोव पहले इंसान थे जिन्होंने इस व्हाइट होल शब्द का प्रयोग किया साल 1964 में। साइंटिस्ट के अनुसार व्हाइट होल बेसिकली ब्लैक होल का टाइम रिवर्सल है। जैसे ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन होता है वो एक नो रिटर्न का पॉइंट होता है, उसे क्रॉस कर लिया तो उसके बाद कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। ऐसे ही व्हाइट होल का जो इवेंट होराइजन होता है वो एक बाउंड्री ऑफ नो एडमिशन है, उस पॉइंट के आगे कुछ जा नहीं सकता। जो ऑब्जेक्ट्स व्हाइट होल के अंदर होते हैं वो बाहर जरूर जा सकते हैं, बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अंदर वापस लौटकर कुछ नहीं आ सकता। इवन दो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी का ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन कोई नहीं जानता कि रियलिटी में व्हाइट होल्स फॉर्म कैसे होंगे। ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन के बारे में मैंने ब्लैक होल्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जब एक स्टार अपने आप में कोलैप्स कर जाता है, लेकिन इसका उल्टा कुछ हो नहीं सकता। तो ये व्हाइट होल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं कर सकती, ये चर्चा का मुद्दा है साइंटिस्ट के बीच में आज तक। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जब बिग बैंग हुआ था और यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, उस मोमेंट ऑफ क्रिएशन पर सब कुछ एक बहुत ही बड़े व्हाइट होल से निकला होगा।
एक दूसरी थ्योरी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिए गए आइडिया पर बेस्ड है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एक ब्लैक होल इवेंचुअली इवेपोरेट कर जाएगा, रेडिएशन जब उससे लीक होती रहेगी होती रहेगी। ब्लैक होल्स आर नॉट इटर्नल, दे इवेपोरेट अवे एट एन इंक्रीजिंग रेट अंटिल दे वैनिश इन अ जिगांटिक एक्सप्लोजन। लेकिन जब एक ब्लैक होल इवेपोरेट करके खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी उसका क्या होगा, उसके अंदर जो मैटर मौजूद था उसका क्या होगा। यहाँ क्वांटम थ्योरी में एक फंडामेंटल लॉ है जो कहता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हो सकती, इसे नो हाइडिंग थ्योरम कहा जाता है। नो हाइडिंग थ्योरम के अनुसार अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम से गायब हो जाती है तो वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं और एग्जिस्ट जरूर कर रही होगी। तो थियोरेटिकली अगर एक ब्लैक होल में ये सारा मैटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर सक इन हो रही है, ब्लैक होल के जाने के बाद ये कहीं ना कहीं स्पिट आउट भी हो रही होगी, और ये लाइकली हो रहा होगा एक व्हाइट होल के थ्रू। इसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर कई साइंटिस्ट कहते हैं कि व्हाइट होल तब फॉर्म होता है जब एक ब्लैक होल मर जाता है। लेकिन आज तक हमारे पास कोई सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज को लेकर कि ब्लैक होल की डेथ कैसे होती है। दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि व्हाइट होल्स जैसी चीज एग्जिस्ट करना थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। जैसा आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में कम नहीं हो सकती। इस पेपर का ही एग्जाम्पल लेकर देख लो, अगर इस पेपर को मैं फाड़ दूं तो इस पेपर को के फटने के बाद जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है। अब इसे वापस एग्जैक्टली उसी तरीके से ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से कोई पेपर श्रेडिंग मशीन पेपर्स को श्रेड करने का काम करती है जिससे पेपर की एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक इसी तरीके से ब्लैक होल्स यूनिवर्स में हर चीज को श्रेड करने का काम करते हैं। पूरे के पूरे प्लैनेट्स और स्टार्स को ब्लैक होल्स निगल जाते हैं और सिर्फ रेडिएशन बचती है। इससे पूरे यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ती है। लेकिन अगर इसी चीज को इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये रिवर्स में हो रही है, एंट्रोपी कम हो रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो एसेंशियली वो यही काम करेंगे, इसलिए इस लॉजिक से वो एग्जिस्ट नहीं हो सकते शायद। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ना सिर्फ व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं बल्कि साल 2006 में साइंटिस्ट ने व्हाइट होल्स का एक दृश्य देखा। 14 जून साल 2006 की बात है। एक स्पेस सैटेलाइट जिसका नाम है नील गैरेल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी, इसने एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को कैप्चर किया। साइंटिस्ट ने देखा कि एक व्हाइट लाइट का एक एक्सप्लोजन सा हुआ है और ये अचानक से फिर गायब हो गया। इस इवेंट को नाम दिया गया GRB060614। ये एक गामा रे बर्स्ट था। गामा रे बर्स्ट बेसिकली बहुत बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एक्सप्लोजन होते हैं जो दूर की गैलेक्सीज में ऑब्जर्व किए जाते हैं। यूजुअली इवेंट्स तब होते हैं जब कोई ब्लैक होल एक बड़े से स्टार को निगल जाता है, लाइट के बड़े ब्राइट एक्सप्लोजन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इस केस में कोई स्टार के होने का एविडेंस नहीं पाया गया, तो ये हाइपोथेसाइज किया गया कि ये एक व्हाइट होल की ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद से लेकर अब तक कोई ऐसे इवेंट्स दोबारा देखने को हमें नहीं मिले हैं, और इसलिए अभी तक व्हाइट होल्स सिर्फ एक थियोरेटिकल चीज है। लेकिन बात यहाँ ये नोट करने वाली है कि ब्लैक होल्स भी एक समय पर थियोरेटिकल चीज हुआ करते थे, लेकिन फिर एक दिन उन्हें प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया गया। तो हो सकता है आने वाले टाइम में व्हाइट होल्स के साथ भी ऐसा ही हो। सेम चीज वॉर्म होल्स के बारे में भी कही जा सकती है दोस्तों, हो सकता है आने वाले टाइम में उन्हें साबित किया जा सके। लेकिन अगर इनकी एग्जिस्टेंस को साबित कर भी दिया जाए तो साइंटिस्ट इस बात पर भी बड़ा डाउट करते हैं कि इंसान एक्चुअली में उनके थ्रू ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वॉर्म होल्स की एग्जिस्टेंस को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग लेटेस्ट खबर है साल 2015 की, जब साइंटिस्ट ने एक लेबोरेटरी में मैग्नेटिक वॉर्म होल क्रिएट कर दिया। तो अभी तक जो हम वॉर्म होल्स की बात कर रहे थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के सेंस में कर रहे थे, लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करी जाए तो साइंटिस्ट ऑलरेडी वॉर्म होल को क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अब मैग्नेट के दो एंड्स होते हैं दोस्तों, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। हम सब जानते हैं कि दो एंड्स हमेशा साथ में रहते हैं। अगर आप एक मैग्नेट को दो पीसेस में तोड़ भी दोगे तो दोनों पीसेस के अपने दो पोल्स फिर भी रहेंगे। अब साइंटिस्ट ने कुछ स्पेशल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके क्या अचीव कर लिया कि मैग्नेट्स के जो दो पोल हैं उन्हें सेपरेट कर दिया, बीच में इनविजिबल गैप लगा दी। बेसिकली एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड वॉर्म होल के एक एंड से अंदर गई और दूसरे एंड से बाहर निकली। इसकी विजुअलाइजेशन यहाँ आप देख सकते हो। लेफ्ट वाली इमेज एक डिवाइस दिखाती है जो साइंटिस्ट ने क्रिएट किया, जिसने मैग्नेट के दो पोल्स को सेपरेट कर दिया। तो ये डिवाइस बेसिकली वॉर्म होल का काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए।
हमें आंखों से तो ये डिवाइस दिख रहा है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड्स को ही आप देखोगे राइट पिक्चर में, तो आपको दिखेगा कि एक तरफ एक पोल है मैग्नेट का, दूसरी तरफ सेपरेट आउट होके दूर दूसरा पोल है। जैसे स्पेस में वॉर्म होल स्पेस टाइम कर्वेचर को बेंड करने का काम करेगा, यहाँ इस वॉर्म होल ने मैग्नेटिक फील्ड को बेंड करने का काम किया। इस मैग्नेटिक वॉर्म होल को बनाने के लिए एक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम है यूटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, और इसे एक लिक्विड नाइट्रोजन बाथ में रखा गया था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। फाइनली दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर वॉर्म होल्स का एग्जिस्टेंस नहीं भी प्रूव हो पाता है आने वाले टाइम में, इसका मतलब ये नहीं कि हम और तरीके नहीं ढूंढ सकते फास्टर देन लाइट ट्रेवल करने के। थियोरेटिकली देखा जाए तो कई और सॉल्यूशंस प्रपोज किए जाते हैं, जैसे कि एक है अल्क्यूबियर ड्राइव। इसे प्रपोज किया गया था साल 1994 में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मिगुएल अल्क्यूबियर के द्वारा। आइडिया यहाँ ये है कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो लाइट से तेज स्पीड पर ट्रेवल कर पाएगा, लेकिन कैसे कर पाएगा? ये कर सकेगा अपने सामने के स्पेस टाइम कर्वेचर को कॉन्ट्रैक्ट करके और अपने पीछे के स्पेस टाइम कर्वेचर को एक्सपैंड करके। थियोरेटिकली देखा जाए दोस्तों आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन का एक और सोल्यूशन यहाँ पर अल्क्यूबियर ड्राइव प्रेजेंट करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आने वाले टाइम में और कौन कौन से सॉल्यूशंस प्रपोज किए जाते हैं इन फील्ड इक्वेशंस के, और क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें इनसे निकल पाती हैं। अभी के लिए ये वीडियो पसंद आया तो ब्लैक होल्स वाला वीडियो देख सकते हैं, वो भी जरूर आपको पसंद आएगा। और अगर वो भी देख लिया है तो स्पेस के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है वीडियोज की, सारे स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।